हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? मेरे वचन पर भरोसा रखिए माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे, और जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की है उनका उपयोग किसी को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए या किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं करोगे। हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया। यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा ना कर सकें। मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मत पूछो मुझसे। मेरे वचन पर भरोसा रखिए माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र कहा गया। हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींच कर अंदर ले गई। हे जगतपति, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है। जागो दैत्यराज, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं हैं। इसे वृथा ही मारा। वृथा नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो फिर अब क्या? अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु?
हम महामुनि सांदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूं। तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे महात्मा, हम तुम्हारी कर्म निष्ठा से अति प्रसन्न हैं। गुरु माता, कृष्ण आ गया है। कृष्ण आ गया है, उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। तू कहाँ चला गया था? मुझे कुछ याद नहीं रहा, शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं लहरों में बहते बहते कहाँ पहुँच गया, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो इन दोनों को देखा, ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा। गुरु माता, इसे याद कैसे आती? गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। पर तुम लोगों को ये कैसे मिला? एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला भैंसा था, उसी के आंगन में ये रहता था। हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है। उसने कहा ये मेरा कोई नहीं, बेचारा कहीं खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्यराज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का ऐसा विछोह कभी ना हो। देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो, ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? हैं, बल्कि एक नहीं दो दो माताएं जीवित हैं। दो दो माताएं? एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला, इसलिए एक के पास रहता हूँ तो दूसरी से बिछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूँ तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। तो सुनो, जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है उसी प्रकार सारे संसार के दुखियों का दुख दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे, जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे। आज तुमसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए, मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना
मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी।